खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अब आपको बता दें, दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग दरअसल की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर होने वाली आज सुनवाई। कई अलग अलग वीडियोस सामने आए हैं पूरे मामले के। राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग सेंटर हादसे की हाई लेवल जांच हो, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज पूरे मामले पर सुनवाई होगी। गृह मंत्रालय ने हालांकि कोचिंग सेंटर में हुई दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया हुआ है। समिति हादसे के कारणों का पता लगाएगी, साथ ही साथ 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। याचिका इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई है। एक कुटुंब नामक संस्था ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इस पूरे मामले पर। कोचिंग सेंटर हादसे में 3 अभ्यर्थियों की मौत हुई थी। कुटुंब नामक संस्था ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। संस्था की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। बुधवार को आज मामले पर सुनवाई होगी। 3 छात्रों की मौत के बाद साथी छात्रों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है। छात्रों का प्रदर्शन आज चौथे दिन भी चल रहा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। राव आईएएस एकेडमी में 3 छात्रों की मौत से गुस्सा है। इंसाफ मिलने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात साथी छात्रों की ओर से कही जा रही है। दिल्ली में एमसीडी ने कई कोचिंग सेंटर्स सील किए। बेसमेंट में क्लास चलाने वाले कई कोचिंग सेंटर्स सील किए गए हैं। सीलिंग की कार्रवाई दिल्ली एमसीडी की जारी है, लेकिन साथ ही जो छात्र हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश है। देखिए, जो डिमांड पूरी हो रही है उसका आश्वासन हमको दिया गया है। आश्वासन अब लिखित में है या मौखिक है, ये हमको जो है ये देखना है कि उसके कितनी गहराई है। अगर हम मौखिक आश्वासन पे बिलीव करें तो हम किस तरीके से करें, और अगर वो लिखित में है तो उसके क्या जो है जरिए हो सकते हैं, या वो उसको कितना टाइम लग सकता है। हमको अब जो है एज अ स्टूडेंट बॉडी हम उस चीज़ पर देखकर सोच समझकर हम लोग जो है उसके बारे में एक सोच विचार कर रहे हैं कि हमारे जो डिमांड्स है वो वेदर दे आर फुलफिल्ड और नॉट, इसका भी स्टेटमेंट। मेरे साथ दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं हमारे। आदित्य कुमार मेरे साथ गौतम नगर से जुड़ गए हैं, जबकि आरजू सेठ भी मेरे साथ हैं लक्ष्मी नगर से। आदित्य, दिल्ली में ऐसे और कितने कोचिंग सेंटर्स हैं? सवाल ये है कि क्या इस हादसे के बाद अब सबक लिया जा रहा है या फिर नहीं, आगे भविष्य में ऐसा ना हो, कौन ये सुनिश्चित करेगा? बड़ा सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में जहाँ जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो एक पनपता हुआ बाजार है वो जहाँ जहाँ उपलब्ध है उस सब जगह पे अमूमन यही हालात है। मैं अभी गौतम नगर में हूँ, एम्स जस्टिस से है, और यहाँ पर अधिकतर जो लोग रहते हैं वो डॉक्टर्स हैं और वो अपनी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या जो दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तस्वीरें। ये मेन आदित्य, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप बने रहिए मेरे साथ, आऊंगी आपके पास। मैं आरजू के पास चली जाती हूँ अब। आरजू, 3 छात्रों की मौत हो गई, बेगुनाह बेकसूर ये छात्र अपना भविष्य संवारने के लिए कोचिंग सेंटर में गए हुए थे, लाइब्रेरी में बैठे थे, नहीं पता था कि चंद मिनटों में जिंदगी समाप्त हो जाएगी, सपना परिवार वालों ने भी देखा था, जिम्मेदार इसके पीछे कौन कौन? और बिल्कुल अंजलि, देखिए हम भले ही बात कर रहे हैं उन 3 छात्रों की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सिर्फ 3 छात्र नहीं बल्कि लाखों छात्रों की जान पर बात जो है वो अब आ चली है, और इसीलिए हम एक रियलिटी चेक कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और देख रहे हैं आखिर कितने ऐसे धंधे जो है शिक्षा की आड़ में चल रहे हैं जो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी लक्ष्मी नगर में है, और अगर आपको बताएं तो ये भी कोचिंग का हब माना जाता है। सीए यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए दूर दूर से छात्र जो है देश की राजधानी दिल्ली आते हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, बच्चों से बात कर रहा, तो मैं यहां पर पहुंच गई हूं। ये भी एक लाइब्रेरी है जो बेसमेंट में बनी हुई है। फिलहाल आप यहां पे इस वक्त ये ताला इस वजह से देख रही हैं क्योंकि लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, मीडिया लगातार इस वक्त कवरेज कर रही है, और एमसीडी की तरफ से 13 ऐसी लाइब्रेरी है, इंस्टीट्यूशन है जिन पे ताला लगा दिया गया, जिनको सील कर दिया गया, और शायद यही वजह है कि इसको अभी ताला यहां पे लगा दिया गया है और लाइब्रेरी को फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। बच्चे यहां पर
पहुंच रहे हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है वो इसमें खासतौर पर इफेक्ट हो रही है और लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। आप लाइब्रेरी आई थी क्या, आपको क्या नोटिस नहीं दी मिला है, क्या हुआ? एक्चुअली हम लोगों को सिर्फ एक दिन का नोटिस मिला था और आज के लिए बताया नहीं था उन्होंने। अच्छा, नोटिस में क्या कुछ लिखा था, क्या वजह बताई थी बंद होने की? मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे बस पता चला था कि सिर्फ एक दिन की छुट्टी है हमारी। अच्छा, हाँ। और आज भी फिर आप आई? हाँ, मेरा लाइब्रेरी और पीजी बगल में ही है। अच्छा, तो बंद मिला है। क्या बेसमेंट में है आपकी लाइब्रेरी, किस तरीके से अंदर बना हुआ है? हाँ, लाइब्रेरी बेसमेंट में है। अच्छा, और कितने लोगों की कैपेसिटी और क्या कुछ फीस जाती है? फीस एज यूजुअल जो लक्ष्मी नगर में है उस हिसाब से ठीक है, और बाकी थोड़ा मतलब ये है कि बस थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है बेसमेंट में, सफोकेशन होने लगती है, बाकी तो सब ठीक ही है। ठीक है, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, किस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आगे भी एक लाइब्रेरी थी जो बेसमेंट में बनी हुई है, कि ये लाइब्रेरी है जो बेसमेंट में बनी हुई है, ऐसे हज़ारों लाइब्रेरी हैं सिर्फ लक्ष्मी नगर में जो बेसमेंट में बनी हुई है, कितना इशू ये एड्रेस करने की बात है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीन बच्चे ऑलरेडी जान गंवा चुके। यहाँ लाइब्रेरी कई बेसमेंट में चलती हैं और कई सारे लोग हैं, हम लोगों को नोटिस दिया गया कि मेंटेनेंस के नाम पे कि मेंटेनेंस हो रहा और बंद कर दिया गया लाइब्रेरी। यहाँ कई सारी लाइब्रेरियाँ जो बेसमेंट में चलती हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, प्रशासन भी मिला रहता है, सारे प्रशासन और जो भी हमारे जो चलाते हैं बेसमेंट के मालिक या सब मिले रहते हैं, पैसा पहुँच जाता है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और बच्चों के साथ मजबूरी है कि वो आते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं इनके अलावा, क्योंकि यही लोग हैं जो अच्छे फैकल्टी भी देते हैं, तो हम लोगों को आना मजबूरी होता है, तो यही सारी दिक्कतें हैं हम लोगों को। और यहाँ तार की समस्याएं हैं, जो तार की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी देख ही रही है उस पर, ये सारी समस्याएं हैं बच्चों के साथ। और रूम रेंट यहाँ काफ़ी बढ़ा दिया गया, 3-4 हज़ार रुपये बढ़ा दिया गया रूम रेंट का। जाने का मेन रीज़न यही है कि आप लाइब्रेरी में यदि कोई शख्स मतलब लाज जा रहा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रूम की जो फैसिलिटी वो अच्छी नहीं है, रूम रेंट इतना हाई है। यदि कोई लड़का आता है तैयारी करने के लिए, चलो सपोज करोलबाग जाता है, वहाँ का रेंट है 40,000 अराउंड, अब वहाँ से यदि लड़का यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्राइस बढ़ाने वाले हैं ब्रोकर। ब्रोकर कमीशन ले रहे हैं 20 दिन का, कोई 20 दिन का ले रहा है, कोई 1 महीने का ले रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट करे सो करे क्या, मतलब जहाँ स्टूडेंट जा रहा है वहाँ उनके साथ क्या डिमांड एंड सप्लाई का खेल शुरू हो जा रहा है, कि जहाँ डिमांड बढ़ रही है तो वहाँ प्राइस एकदम से हाई हो रहा है, उस वजह से लाइब्रेरियाँ बिना मतलब देखिए बच्चे जाए तो जाए का, अगर पीजी की बात करें तो पीजी में भी क्योंकि रेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है इसीलिए वो सोचते हैं कि लाइब्रेरी में जाके, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं रेट बहुत ज्यादा है लेकिन रूम इतने छोटे इतने कंजेस्टेड है इसीलिए वो लाइब्रेरी आते हैं, लेकिन उनको क्या पता है कि लाइब्रेरी में भी उन्हें मौत के साथ खेलना पड़ेगा। और भी छात्र उनसे भी बात करेंगे, किस तरीके से आपको लग रहा है कि इस वक्त इस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है, क्या कुछ एक्शन जो है वो अभी लेने चाहिए? जी, एक्शन तो बहुत कुछ लिया जा सकता है, जैसे कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे नियम कानून कड़े कर सकते हैं, मार्चिंग कर सकते हैं कि कहाँ क्या बेसमेंट में फैसिलिटीज चेक कर सकते हैं, और ग्रीवांसेस सेल अलग अलग जगह बना सकते हैं ताकि बच्चे अपने प्रॉब्लम वहाँ तक पहुँचा सके, हर तरह की प्रॉब्लम, जैसे रूम की प्रॉब्लम हो गई, लाइब्रेरी की प्रॉब्लम हो गई, ये तारों की प्रॉब्लम हो गई, हर जगह तार लटके हुए रहते हैं, अब पता नहीं चलता कि ये बिजली के तार हैं या वाईफाई के तार हैं, हमें डर से चलना पड़ता है कब कहाँ शॉर्ट सर्किट लग के क्या हो जाए, पटेल नगर में एक हादसा हो चुका है तो थोड़े से हम डरे हुए रहते हैं, और भी इस तरह की समस्याएं हैं, रूम नहीं मिलता है सिंगल रहने को, मतलब मेरा रूम में पानी भरने लगे था बारिश के कारण तो मुझे शिफ्ट करना पड़ा, तो मैंने तकरीबन 15-20 दिन बहुत भागा दौड़ी किया, हर ब्रोकर से मिला, ब्रोकर इतने पैसे लेते हैं कि मतलब हम मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते, इतने पैसे लेते हैं, तो 15-20 दिन एक एक रूम छान मारा तब जाके एक रहने लायक रूम मिला, रूम भी ऐसे ऐसे मिलते हैं कि हवा वहाँ ना पहुँचे, मतलब पानी का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है कहीं पे, और बिजलियाँ के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं। आप कहाँ से आए रहने के लिए? हम भागलपुर बिहार से हैं। बिहार से आए हैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए? जी, छोटे मोटे सपने लेके माँ बाप ने भेजा है कि हम कुछ करके कर सके बन सके, तो यहाँ आते हैं लेकिन यहाँ की सुविधाएं देख के थोड़ा निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, इसी में रहना पड़ता है क्योंकि मेहनत तो करनी है, यूपीएससी तो पार करनी है, वापस जाने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक बार आगे तो देखिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं ये छात्र, एक दो या तीन नहीं, कई परेशानियां हैं, ब्रोकर्स भी परेशान करते हैं, और भले ही सरकार प्रशासन आवाज ना उठाए कदम ना उठाए लेकिन इंडिया न्यूज इन छात्रों के साथ खड़ा हुआ है और आवाज इनकी इंडिया न्यूज लगातार बनने की कोशिश कर रहा है। आदित्य के पास मैं जाती हूँ, आदित्य भी मेरे साथ है, हमारे संवाददाता। आरजू छात्रों से बात कर रही है, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। आदित्य, वहां पर भी क्या यही सिचुएशन है, क्या यही हाल है, कौन कौन सी और कितनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है बाहर से आए इन स्टूडेंट्स को दिल्ली में?
जी अंजलि, मैं आपको पहले यहाँ की स्थिति दिखा देता हूँ। मैं जिस गली में मौजूद हूँ, ये मेन सड़क जो गौतम नगर का है उसके ठीक सामने का है। आप ये देखेंगे कि जो बिल्डिंग का मकर जाल बना हुआ है, आप समझिए कि ऐसी स्थिति में अगर कोई आपदा आती है, चाहे वो भूकंप आता है या बिजली शॉर्ट सर्किट होती है और आग लगती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ से निकलने की आशंका है। तार का जो जंजाल आप देखेंगे वो आपको साफ दिखाई देगा। और ये इसमें गलती किसकी, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब ये आपने देखा, हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि जिस तरीके से करोलबाग में हुआ, जिस तरीके रोड राजेंद्र नगर में हुआ कि जो सीवर लाइन था, सीवर लाइन के गंदगी की वजह से, अतिक्रमण की वजह से जो है वहाँ पर पानी जमना शुरू, भरना शुरू हो गया। अब ये देखेंगे कि ये सालों से ये जो ढक्कन है ये हटाया नहीं गया, ऐसी स्थिति है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे, कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे उनकी जो चीज़ें, उनके दर्द हैं, उस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो झेलते हैं, क्योंकि पैसा भी खर्च कर रहे हैं, माँ बाप का सपना लिए हुए हैं और खास बात यह कि ये डॉक्टर्स हैं, MBBS करके आए हुए हैं, फिर भी जो लोग हैं वो समस्या यहाँ पर झेल रहे हैं। पहले बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विभू आनंद। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ से कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या क्या दिक्कतें आपको? हाँ जी, मैं बिहार से आया हूँ और यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था, मैं नीट PG की प्रिपरेशन कर रहा था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी अभी मुझे झेलने को मिल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले परेशानी है कि पहले जो है लाइब्रेरीज़ वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ में है और रहने वाले जो जगह हैं वो काफ़ी नॉन वेंटिलेटेड एरियाज़ हैं, तो जिसके वजह से क्या हो रही है कि हमें प्रॉपर जो वेंटिलेशन होता है रूम का वो फैसिलिटीज़ नहीं है और ऊपर से इतने कंजेस्टेड एरिया में ये हो रही है जिसके वजह से हमें वहाँ पर रहने में भी तकलीफ़ हो रहा है और रूम में पढ़ाई नहीं हो पा रही, जिसके लिए हमें लाइब्रेरी जाना पड़ रहा है और जब हम लाइब्रेरी पहुँचते हैं तो वहाँ के चार्जेस 1500, 2000, 2500। ऐसे घटना हुई है करोलबाग में तो लाइब्रेरी के आप, क्योंकि बहुत सारे बंद कर दिए गए हैं, तो जो जो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है उसमें किस तरह की दिक्कत हुई? हाँ, अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही ये घटना ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई है उसके बाद यहाँ के लाइब्रेरीज जो बेसमेंट वाले हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तो लगभग यहाँ पे यदि 150 लाइब्रेरी हैं जिसमें कि 2-3 लाइब्रेरी ही ऐसे हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे हैं, तो उसके वजह से जैसे ही बेसमेंट के लाइब्रेरी सारे बंद हो गए हैं उसके वजह से जो फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के लाइब्रेरीज हैं उसमें सीट मिलना मुश्किल हो गया और उनके पैसे जो हैं पहले यदि 2000 हो रहे थे तो अब वो 5000, 6000 अपने अकॉर्डिंगली डिमांड कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उन सबसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ती है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सभी लोग बाहर से भी आते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अक्षय। भैया क्या तैयारी कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं आप? नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ये तो आप सुन रहे हैं कि ग्रेजुएशन से लोग आए हैं करने के लिए और जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, और भी लोग हैं क्योंकि जो सीवर लाइन की जो समस्या है उसके ऊपर बात जरूर करेंगे, क्योंकि दुकानदार जो यहाँ पर हैं उस तरीके से आप यहाँ यही रहते हैं आप? आदित्य ये पूछे राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं लोग? राजेंद्र नगर में जिस तरह की घटना हुई उस तरीके से आप उसको किस तरीके से समझे? MCD ने अपना फेलियर दूसरों पे पेल दिया, इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, उन बच्चों में राजनीति घुसा दी, वो बच्चे किसी ने कोई गोला गला पकड़ के ले गए थे पढ़ने के लिए, मत जाओ पढ़ने, फीस दी ना आपने, उनके माँ बाप भी शायद आधे से ज़्यादा IAS होंगे, उन्होंने दाखिल करा के गए ना, उनको नहीं दिख रहा था जब परिवार की भी गलती मानते हैं जिसकी वजह से वो ठीक से एडमिशन नहीं ले पाया। तो ये आप सुन रहे थे कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक दिक्कत है, जिन्होंने एक अंकल जी ने जिस तरीके से कहा कि एक परिवार के साथ में भी दिक्कत है कि वो भी इस तरीके से सिक्योरिटी देखना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, दुकानदार भी हैं, क्योंकि सीवर लाइन जैसे मैंने आपको दिखाया, सीवर लाइन के बारे में हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सीवर की वजह से दिक्कत होती है, ओवरफ्लो होता है। भैया जिस तरीके से सीवर लाइन को लेकर के क्या दिक्कत होती है, क्या जिस तरीके से वहाँ पे करोलबाग में दिक्कत हुई, क्या यहाँ पे होती है जलभराव की? यहाँ पे तो जलभराव की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सामने नाला है, इसमें पानी सारा निकल जाता है, लेकिन ये जो जैसे बड़े सीवर बना रखे हैं इन्होंने, ये क्लियर है, इसमें पानी ब्लॉकेज नहीं होता यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तो भरता नहीं है पानी। और जैसे बेसमेंट की लाइब्रेरी का जैसे बोल रहे हैं कि इशू चल रहा है, तो वो इशू चल रहा है कि कंडीशन चल रही है अभी, तो लाइब्रेरी वगैरह सब, क्लास वगैरह सब यहाँ पे बंद कर दी, उसमें ये है कि पर ये लाइब्रेरी नहीं, यहाँ पे पानी की बेसमेंट इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इसके सामने नाला है। ठीक है, नाला है, इसके वजह से जो है दिक्कत नहीं हो रही। और भी कुछ लोग हैं, हम सभी से बात करेंगे। बिल्कुल, कई जगहों पर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, कुछ इलाके हैं जहां पर चीजें कंट्रोल में हैं, बेहतर हैं, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, 3 छात्रों की जो मौत हुई,
उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन कौन, क्या सबक लिया जाएगा? छात्रों का विरोध प्रदर्शन, साथी छात्रों का उसी दिन से हम देख रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं साथी छात्र। आदित्य और आरजू, फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए। लेकिन इंडिया न्यूज लगातार उन स्टूडेंट्स की आवाज उठाता रहेगा जिनके अभिभावक लाखों रुपए खर्च करते हैं, दिन रात खून पसीने की कमाई इकट्ठा करते हैं बच्चों का भविष्य संवारने में, लेकिन उन छात्रों के साथ फिर ठीक नहीं होता, कई इस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है।